Welcome to Just Drive. I'm Ahmed. We at Just Drive just don't say things, we prove them. You know, like I've mentioned, that everything that is on the roads of Pakistan is on Just Drive. Today, we are going to prove that. What we have for you is the latest Toyota Corolla. Like I mentioned, what we have today is the latest Toyota Corolla, which is a 2008-2009, the latest model. Abhi tak market mein ye latest aayi hai. Isme bhi, like I said, three models jisme aate hain usually to cater to the Pakistani market. One is the Altis, which is an 1800cc, 18cc engine hota hai usme. Phir aati hai GLI, jo ki ye gaadi hai, jo ki ek mid model hota hai, which is obviously a 1300cc engine. लेकिन उसमें जो स्पेक्स होते हैं गाड़ी के, यानी कि जो चीज़ें दी हुई होती हैं जिसको शशके कहते हैं, वो एल्टिस के दिए हुए होते हैं मोर ऑर लेस. और देन इज द एक्सएलआई, विच इज द कंप्लीट सादा मॉडल, देन अगेन हैविंग अ 1300cc इंजन एंड यू नो बेसिकली वेरी प्लेन कार. कमिंग बैक टू दिस मॉडल, देव मेड क्वाइट अ फ्यू चेंजेस वर्ल्ड ओवर. जैसे हमने बात की थी कि गाड़ियों में एक बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, एक नया एरा शुरू हो गया है जिसमें गाड़ियाँ काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं. उनकी बॉडी वाइज, उनके इंजन वाइज, द टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, थिंग्स आर चेंजिंग क्वाइट अ बिट. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, बिफोर आई गो ऑन टू द इंजन, आई एम गोना टॉक अबाउट द मेन चेंजेस ऑफ द कार. दिस कार हैज़ कम्प्लीटली बीन चेंज्ड. इफ यू हैव सीन अ बेल्टा और टोयोटा बेल्टा, विच इज़ अ जैपनीज कार, और द टोयोटा कैमरी, यू वुड बी एबल टू फिगर आउट कि उन दोनों को कुछ मिक्स करके एक बीच की चीज़ निकली है. ऐसा होता है ना, छोटा भाई, बड़ा भाई और फिर सबसे बड़ा भाई, तो ये जो है वो बीच वाला भाई है, क्योंकि बेल्टा भी है थोड़ी सी, लोग कहते हैं बेल्टा है, कोई लोग कहते हैं कैमरी है, तो एक कन्फ्यूजन होता है. बट बहरहाल, दिस इज द करोला, इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी. नाउ कमिंग ऑन टू द ड्राइव ऑफ द कार एक्चुअली, कि गाड़ी फील कैसे करती है. लाइक आई मेंशन, इट्स अ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन. एक्सएलआई ऑब्वियसली में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता, तो मैनुअल ट्रांसमिशन है. व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द कार इज द लुक. द एक्सटीरियर इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल टू स्टार्ट विद. एरोडायनामिक्स आ गए हैं, फिर से वही बात है कि चेंजिंग ट्रेंड्स, बोनट्स बीइंग स्मॉलर एंड यू नो दीज व्हील आर्चेस बीइंग एट अ हायर एंगल, मतलब मीनिंग के काफ़ी स्टीप एंगल पे होते हैं. गाड़ी का इंजन जो है वो काफ़ी इसमें एडवांसमेंट्स इस तरह की हुई हैं कि पहले दे जस्ट हैड अ प्लेन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. नाउ व्हाट दे चेंज विद दैट इज दे एक्चुअली हैव अ VVT-i इंजन, वेदर इज 1300 और 1800. बात यह है कि टोयोटा ने जो डिफरेंट चीज़ वो ये की है कि पहले जो उनकी XLi GLi होती थी वो प्लेन इंजन होता था, सीधा सीधा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता था, एंड Altis में वाज ऑब्वियसली अ VVT-i इंजन 1.8. बट दिस कार, इवन दो इट्स 1300, इट ऑल्सो हैज़ अ VVT-i इंजन, विच इज़ ऑब्वियसली बेटर इन टर्म्स ऑफ. बात यह है कि अगर आप उसमें देखेंगे तो फ्यूल आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी देगीगा. इंजन वही है, VVT-i इंजन डाला हुआ है. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, इट्स सपोज टू बी मोर एफिशिएंट ऑन फ्यूल एंड बेटर परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली जब व्हेन द VVT-i किक्स इन, इट सीधी सीधी पावर की बात होती है, गाड़ी पावरफुल होगी ज़्यादा. अच्छा, एक और जो मेजर चेंज इन लोगों ने किया है गाड़ी के मैकेनिक्स में, वो ये है कि एक तो ये VVT-i इंजन दिया है इसमें. एक और चीज़ उन्होंने XLi GLi में डिफरेंट किया है कि फोर व्हील डिस्क ब्रेक हैज़ बीन गिवन, फोर व्हील डिस्क ब्रेक विद ABS. नाउ द डिफरेंस बिटवीन एन XLi एंड अ GLi इज बेसिकली दैट द GLi हैज़ द ABS, वेयर एज द XLi डज नॉट हैव द ABS. इट हैज़ अ फोर व्हील डिस्क ब्रेक बट नॉट द ABS, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट कि अब एटलीस्ट ये टेक्नोलॉजीज हमारी बेसिक गाड़ियों में भी आनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज दे मोर लेस वेरी मच रिक्वायर्ड. इनफैक्ट द न्यू सिटी जो हमारे शो पर अभी तक नहीं आई है, एंड बाय द वे इफ एनीबडी हैज़ द न्यू सिटी और द Altis और द XLi, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू कम ऑन द शो. इस करोला में आई एम गेटिंग द लग्जरी फील एज वेल एज इट बींग अ रगेड कार. द बेस्ट थिंग इज दैट द कार इज वेरी स्मूथ, द स्टेयरिंग इज वेरी सॉफ्ट, द पेडल्स आर वेरी सॉफ्ट, द क्लच इज ऑब्वियसली. ये तो नई गाड़ी है, लोग कहेंगे कि नई गाड़ी है इसलिए है, लेकिन बात यह है कि एक नई गाड़ी में भी मैंने नई करोला, वो भी पुरानी करोला भी चलाई हुई थी, और मुझे वो फ़र्क क्लियरली नज़र आ रहा है कि कितना फ़र्क है, मतलब कहने की बात है. लेकिन इसमें क्लियर डिफरेंस है, गाड़ी सॉफ्ट है, गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है. लेकिन वही बात है कि फिर हार्ड सस्पेंशन जो करोला पुरानी करोला का होता था, तो कहते थे कि वो लॉन्ग लास्ट करता था. देखते हैं अब इस गाड़ी को, मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो खड्डों में,
इट्स वेरी स्मूथ ऑनेस्टली. ऑप्टिमम 15 इंच रिम लगे हुए हैं. ये मैं जानबूझ के खड्डों से गाड़ी लेके जा रहा हूँ. एज यू कैन सी कि कैमरा हिल रहा होगा लेकिन गाड़ी जो फील दे रही है इट्स वेरी स्मूथ. Absolutely love the front. I feel that the Civic, the Corolla, the City, basically all the Pakistani cars that are being made, unka aap agar front dekhe na, check out the front. It's more or less the same. What I really like about the front is the shape. It's a very curvy yet a very oval shape. But kafi oval si, squarish si mujhe feel deti hai. But then again, it gives a look that shows that the car has power and it has grip on the road. I absolutely love the front headlights. They're more or less wohi maine sirf baat ki thi ki Belta Camry ka mixture hai. Camry ki type ki lights bhi hain. Dual obviously do alag alag wo diye mein jahan pe ek beam pe chalta hai aur ek normal light pe chalta hai. Uske alawa the grill, I absolutely love the front grill. I love the bumper. By the way, what the changes the guy has made himself. Fogs नहीं आती हैं GLI में और ये extends नहीं आते. ये जो आप side skirts देख रहे हैं, side skirts, front skirts, back skirts, ये इसने लगवाए हुए हैं जो Altis में आते हैं, जो कि एक normal गाड़ी में नहीं आते. This is GLI, like I mentioned, so it has power windows. That's one good thing. They've given in silver paneling to the power windows and I think the car is overall, अगर गाड़ी को देखा जाए तो बहुत decent, बड़ा plain, two-tone, then again two-tone, the dark beige and dark brown and beige interior है पूरा. और गाड़ी कंडीशन वाइज बहुत अच्छी है. मीनिंग के बड़ी प्लेन सी, सिंपल सी, बॉक्सी अंदर से लुक दिया हुआ है, विच इज़ गिविंग इट अ वेरी क्लासी लुक. इवन दो इज नॉट कोई वुडन पैनलिंग या कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का लुक बहुत अच्छा आ रहा है.